छोटा सा गांव में राजू अपनी छोटी बहन रिमी और विधवा माँ के साथ बहुत ही गरीबी में दिन गुजार रहा था। राजू की उम्र लगभग 13 साल का था और रिमी 8 साल का। उसकी माँ मजदूरी करके जैसे तैसे तीनों का पेट पालती थी। दिन भर बहुत मेहनत करने के वजह से उसकी माँ की तबीयत खराब रहने लगी, जिसकी वजह से तीनों को ठीक से खाना ही नसीब नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन, अरे माँ क्या हुआ, आज भी काम पर नहीं जाओगी? फिर से क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? रुको मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। अरे बेटा, तू दवाई कहाँ से लेकर आएगा? हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है। घर के पास वाले दवाई की दुकान से उधार में लेकर आऊंगा, जब पैसा मिलेगा तब दे देंगे। तू बहुत नादान है, हम लोग गरीब हैं, हम लोगों को कोई उधार नहीं देगा। बेटा तू चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ की तबीयत खराब रहने के कारण रिमी को घर का सारा काम करना पड़ता था। राजू भी छोटी बहन की काम में हाथ बटाता था। एक दिन फिर से उसकी माँ की तबीयत एकदम से खराब हो गई। वो अचानक खून की उल्टी करने लगी। ये देखकर रिमी बहुत डर गई और रोते रोते राजू को बुलाने लगी। भैया जल्दी आके देखो ना, माँ को क्या हो गया है, जल्दी आओ। माँ तुम्हें ये क्या हो गया? मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास और ज्यादा दिन है। मेरी बात ध्यान से सुन, तू अपना और छोटी बहन का ध्यान रखना। ऐसा मत बोलो माँ, तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा। अगले दिन सुबह रिमी अपनी माँ को बहुत बुलाती है, लेकिन उसकी माँ नहीं जगती। तब वो पड़ोसी को बुला कर लाते हैं। पास के चाचा आकर देखा कि राजू की माँ मर गई है। बेटा तेरी माँ तुम दोनों को छोड़कर चली गई, अब तेरी बहन का ध्यान तुझे ही रखना होगा। अब इन भाई बहन का इस दुनिया में कोई नहीं रहा, वो दोनों अनाथ हो गए। कुछ दिनों तक आसपास के लोग दोनों को खाना दे दिया करता था, फिर धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। तब राजू भूख के मारे भीख मांगने लगा, पर गांव में कोई उसे भीख भी नहीं देता था। सब लोग उन दो मासूम बच्चों को भगा दिया करता था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भूख के मारे रिमी रोने लगी। भैया बहुत जोरों की भूख लगी है, अब तो सहन नहीं होता है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रो मत बहन, मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। तुम कैसे खाना लाओगे भैया, कोई भी हमें खाना नहीं देगा, हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। रिमी की बात सुनकर राजू भी सोच में पड़ गया। अब वो खाना कहाँ से लेकर आएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसे एक तरकीब सूझी। सुन रिमी, मैं जंगल से कुछ फल लेकर आता हूँ, तू यहीं रुकना। पर जंगल में अकेला जाना ठीक नहीं होगा, कोई जानवर आ गया तो? जंगल नहीं जाएंगे तो ऐसे ही भूख के कारण मर जाएंगे, इससे अच्छा तो जानवर के हाथ मरे। राजू जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में बहुत सारे फल का पेड़ देखकर राजू बहुत खुश हो गया। फल तोड़कर वो जब घर लौट रहा था, तब उसको रास्ते पर कुछ पड़ा हुआ दिखता है। करीब आकर राजू ने देखा कि वो एक पंछी है। अरे ये तो एक पंछी है, इसके पर तो बुरी तरह से जख्मी है, बेचारी तो उड़ ही नहीं पा रही है। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ घर लेकर जाता हूँ, रिमी का मन भी थोड़ा बहल जाएगा। इधर घर के बाहर रिमी अपने भैया का इंतजार कर रही थी। राजू को आते देख वो बहुत खुश हो जाती है। भैया तुम आ गए, अरे वाह तुम्हें इतना सारा फल मिला है, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये क्या चीज है? पंछी, पंछी क्यों पकड़ लाए हो? ये पंछी जख्मी है, इसलिए मैंने सोचा इसकी थोड़ी मदद कर दूं, ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा किया जो तुमने इसे अपने साथ ले आए, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। पर इसको खिलाएंगे क्या? शायद ये फल और कीड़े खाती है, मैं खुद ढूंढ कर लाऊंगा, तू बस इसका ध्यान रखना।
फिर राजू एक औषधि पेड़ का कुछ पत्ता पीसकर उसे पंछी के पर में लगाकर एक कपड़े का टुकड़ा बांध देता है। राजू हर रोज उस पंछी के लिए जंगल से फल और कीड़े लेकर आता था। रिमी भी उसकी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे पंछी के पर ठीक होने लगी, वो थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लगी। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तब एक दिन राजू ने उसकी बहन से कहा, देख रिमी, ये पंछी तो अब पूरी तरह से ठीक हो गई है, कल ही मैं इसको उसके घर जंगल में छोड़ कर आऊंगा। नहीं भैया, इसे हमारे साथ ही रहने दो ना, इसे छोड़ देने से मुझे बहुत तकलीफ होगी, मैं इसकी देखभाल करूंगी। अरे मेरी प्यारी बहन, जंगल तो इसका असली घर है, ये वहाँ अपने दोस्तों से मिलेगी तो बहुत सारा खाना खाएगी, इसका भी मन अच्छा हो जाएगा, पंछी तो होते ही हैं उड़ने के लिए। अगले दिन सुबह राजू उस पंछी को जंगल में छोड़ने के लिए ले जाता है। उसका भी मन नहीं था पंछी को छोड़ने का। वो पंछी को जंगल के अंदर एक चोटी के ऊपर रखकर उसे कहता है, अब तो बिल्कुल ठीक है, अब तू उड़ सकती है, जा अपने दोस्तों के पास, तू बहुत प्यारी है, तुझे छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा है, पर तुझे अपने पास भी तो नहीं रख सकता ना। ये बोलकर राजू पीछे मुड़कर घर की तरफ आने वाला ही होता है कि पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, राजू। राजू जैसे ही पीछे देखता है वो एकदम से चौंक गया। उसने देखा बड़े बड़े दो पंख वाली एक खूबसूरत लड़की हाथ में एक छड़ी लेकर वहाँ पर खड़ी है। उसे देख राजू की आँख खुली के खुली रह गया। राजू, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? नहीं तो, तुम कौन हो? तुम्हें तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा, और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो, और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? अरे दोस्त, तुम ही तो मुझे अभी अभी यहाँ छोड़ कर गए। इतने दिनों तक तुम दोनों ने मिलकर मेरी सेवा करके स्वस्थ किया है मुझे। राजू को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। इतना क्या सोच रहे हो, मैं ही वो पंछी हूँ जिसको तुम दोनों ने मिलकर ठीक किया है। मैं एक परी हूँ, परी महाराज के श्राप से मैं एक पंछी बन गई थी, और इस जंगल में एक चील ने मुझे घायल कर दिया था। तुम दोनों के दिल और नीयत बहुत साफ है, तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो, इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। ये कहकर परी जादू से एक पेंसिल लेकर आती है। ये लो, एक जादुई पेंसिल। जादुई पेंसिल? इस पेंसिल का मैं क्या करूँगा, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ। इस पेंसिल से तुम जो भी तस्वीर बनाओगे वो सच हो जाएगा, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर इस पेंसिल की मदद से तुमने कोई बुरा काम किया तो ये पेंसिल मेरे पास लौट कर चला आएगा। फिर उस पेंसिल को लेकर राजू घर आकर रिमी को सब कुछ बताता है। ये सुनकर रिमी हैरान हो जाती है। परी की बात सच है या नहीं ये देखने के लिए रिमी उस पेंसिल से एक फटे पुराने कागज पर मिठाई की तस्वीर बनाती है। तस्वीर पूरी बनते ही वो सच में मिठाई बन जाता है। ये देखकर दोनों भाई बहन खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे वाह, परी ने तो सही बोला था, ये पेंसिल तो सच में जादुई है, अब इसे मैं हमारे लिए अच्छा खाना, एक अच्छा घर और बहुत कुछ बनाऊंगा। फिर राजू और रिनी दोनों पहले पेट भरकर खाना खाते हैं, फिर राजू अच्छा सा एक घर बनाता है और उस पेंसिल की मदद से मिठाई की एक दुकान खोलता है। राजू रिमी को स्कूल में भी दाखिल करवाता है। तब से वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।